I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline waves. Assalamualaikum, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। दफा फिर से हम दोनों आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए। सो यार, आज का हमारा ये कि हम आप लोगों को पेंस लैंडिंग दिखाएं। और पेंस लैंडिंग क्या है वो आपको चल के बताते। आई वुड जस्ट से स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक। So यार, हम आ चुके हैं अब पेंस लैंडिंग में। और यार, इधर का एक बड़ा खूबसूरत सीन है कि साइड पे आपके दरिया बह रहा है और इधर आपके लोग हैं, उधर कोई डेट मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और आप जस्ट मोबाइल हाथ में लेके। और फिर इधर का सीन क्या है कि इधर ब्रिजेस पे आ रहे हैं और ब्रिज ऐसा है कि जिसके ऊपर से ट्रेन भी जाती है, तो उधर साइड वॉक भी बनी हुई है कि वहाँ से जाके आप व्यू देख सकते हो। और यार, इधर हमारे पीछे इधर नेवी यार्ड भी है। और दूसरी इसकी एक ये है कि जो कोलंबस है, जो उसकी कश्ती आके लगी थी, वो इस दरिया में आके लगी थी। और आप लोगों को वो किनारा भी हम दिखाते हैं कि वो किस किनारे पर उसकी कश्ती आके ठहरी थी। और बाकी जो है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको हुज़ैफ़ा देगा। क्रिस्टोफर कोलंबस जब उसने अमेरिका दरिया किया था, उसने उसकी सारी बात वो कश्ती पर आ रहा था, तो उसकी कश्ती इस दरिया के मतलब एक कॉर्नर पर आके लगी थी, ठहरी थी। तो फिर उसने मतलब कि वहाँ पे उसका एक जगह भी बनी हुई है, वहाँ पर सारा कुछ लिखा भी हुआ है, हम आपको भी दिखाएंगे। ये मतलब कि दरिया इतना बड़ा है, इतना गहरा है कि इसके ऊपर मतलब कि शिप्स तक जाते हैं। चलो हमारे साथ और चल के एक्सप्लोर करते हैं। इधर का एक बड़ा फैक्ट है ये है कि अगर तो आप बिल्कुल स्ट्रेट जाते हो, ईस्ट में स्ट्रेट जो कि मेरी बैक पे है, अगर इसके बिल्कुल आप स्ट्रेट जाते हो तो आप इटली वगैरह जा सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा कर्व में जाते हो तो उसका ये है कि आप यूके और वेस्ट में दूसरी कंट्रीज हैं। और यूके यहाँ से लाइक इस जगह से 3500 माइल्स दूर है। और अब चलते हैं हम किसी रेस्टोरेंट पे और देखते हैं वहाँ कुछ खाते पीते भी हैं। और आप जो हमने अभी आप लोगों को रेस्टोरेंट दिखाया है वो तो कह लो कि हमारे टाइप का नहीं था। और मोस्टली हमारे टाइप के रेस्टोरेंट नहीं है, उसकी वजह ये है कि उधर ज़्यादातर ये जिस तरह ये वाला था, इधर बार का ज़्यादा था और वो हम करते नहीं है कुछ भी लाइक अल्कोहल वगैरह या कुछ भी ऐसा वैसा। सो इसलिए फिर हमने डिसाइड किया कि हम कहीं हलाल रेस्टोरेंट में चल के खाते जहाँ ये सारी इन चीज़ों से बच सकें और हलाल ही मिल जाए हमें, वो ज़्यादा बेटर है। And I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. So yeah, हम इस restaurant में आए थे जो कि ship के ऊपर है और सारा, लेकिन उनके पास कोई reservation नहीं था। I mean reservation होना जरूरी थी, but availability कोई नहीं है, so we are going back down.
तो यार ये बड़ा ही खूबसूरत था, लाइक देखा तो है बट खा नहीं सकते, सो अनफॉर्चुनेटली वापस जा रहे हैं उसी मुंह से। चलो कहीं और चल के ट्राई करते हैं। आरे नहीं गबरू तेरे ते, ओ शर्ता लाउने कवारे नहीं मुंडे तेरे ते। सो यार जब हमें कुछ भी नहीं मिला ना, सो हमने इस चीज़ पे एंड किया कि इधर वेंडिंग मशीन पे है, हमने एक कोक ली है और सोडा पी के हम गुजारा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि हम कुछ खा पी सकें, और चलते हैं अगर इस साइड से निकल के, इधर से निकल के कहीं आसपास में देखते हैं और वहाँ चल के ट्राई करते हैं और खाते पीते हैं कुछ। यार हम जिधर भी जा रहे हैं ना, जिधर भी जा रहे हैं, ये पता नहीं बहुत है जो रेस्टोरेंट मेरा है वो ऑलरेडी पैक्ड है, उसमें अवेलेबिलिटी नहीं है। यार हमने यहाँ से अपनी तरफ से तो फूड समझ के ऑर्डर किया था, बट यहाँ आए हैं देखे जब हमारे सामने ये आया जब यार ये हमारे सामने आए तो बेसिकली उन्होंने तो हमारे साथ मजाक किए, ये तो कह लो कि स्नैक्स भी नहीं बनते कि ये टाकोस दिए उन्होंने, हम तो समझे कि पता नहीं वो एक एक्चुअल टाकोस बन के आएंगे, बट जैसे कि आप देखें हुज़ैफ़ा भाई खा रहे हैं और कैसा टेस्ट इनका, कुछ भी नहीं है टेस्ट टेस्ट ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यार हमने सोचा कि यार इधर ना इसके किनारे में बैठ के खाते, लगता है जिस तरह छोटी रोटी की कुंडी बना के उसके ऊपर उन्होंने प्याज वगैरह डाल दी है, बस ऐसे ही है। यार हम तो अपनी तरफ से बड़ा सोचा था कि साथ पानी चल रहा है, बड़ा प्यारा सीन है, बड़ी अच्छी वाइब्स आएगी, उन्होंने तो वाइब्स जो भी हमने आज सारा दिन किया वो सारा उन्होंने खराब कर दी है एक सेकंड में ले गए। बट ज़ैफ़ा भाई खाएंगे, मैं थोड़ा सा ट्राई करके देखता हूँ। आप ट्राई करें और ज़ैफ़ा भाई तो मस्त कर चुके हैं। The worst tacos I've ever had in my life. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally. हम आए हैं यार जहाँ कोलंबस की कश्ती आके फंसी थी ना उसके साथ में उन्होंने ये पींग लगाई है हैमक, इस पर बड़ा मजा आ रहा है। मैं कहता हूँ यार नज़ारे आ गए, ठंडी हवाएं चल रही हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग साइकिल चला रहे हैं, लोग यहाँ पे जॉगिंग भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और हम लोग झूले पे बैठे हैं और एक बंदा मेरे साथ बैठा है कि मैं इधर से पूरी तरह चुकी जाऊँ यहाँ पे कुछ लोग अपने बच्चों के साथ भी आए हुए हैं और यार सबसे ज़्यादा मज़ा जो इधर का है ना वो इस टीम में है। इधर यार देखो लोग आए हैं, लोग अपनी किताबें लेके आए हैं और वो पढ़ रहे हैं जिन्होंने पढ़ना है, कुछ लोग आए हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स लेके वो कर रहे हैं, और हम लोग आए हैं अपना ये ये लेके और ये भी हमें एंड टाइम पर जवाब दे चुके हैं। सारा कुछ फिरने के बाद, सब कुछ देखने के बाद आखिर पे आ गए, हमने गिव अप कर दिया कि हमें रेस्टोरेंट नहीं मिला, क्योंकि यार इधर मोस्टली ये होता है कि हलाल रेस्टोरेंट ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, अगर मिल जाए तो उसमें बैठने की जगह नहीं होती या फूड नहीं उनका अच्छा होता, लाइक के रिव्यूज़ वगैरह देख के जाने पड़ते तो उनके वो नहीं अच्छे होते। तो यार हमने अब डिसाइड यही किया कि घर चलते हैं, घर चल के खाते हैं क्योंकि 8 बज चुके हैं और अभी यार सनसेट भी बहुत खूबसूरत है। जो भी हमने आप लोगों के साथ शेयर दिन का, सो काइंडली आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा और जो आपको अच्छा लगा है, जो आपको बुरा लगा है, जैसा भी लगा है ना, आप हमें लाइक ओपन होके बताना है कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। जो अच्छा लगा होगा हम उसे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे और जो बुरा लगा होगा, जो गलती होगी हम उसे कम करने की कोशिश करेंगे। अगर हुज़ैफ़ा के पास है कुछ कहने को तो हुज़ैफ़ा कह सकते हैं। इसी चीज़ से बंदा सीखता है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक से बंदा सीखता है, तो आप अपना फीडबैक ज़रूर छोड़िएगा और इंशाल्लाह जो आपको पसंद आए, जो आप देखना चाहते हैं
और यार जो भी आप लोगों को पसंद है, कोई भी यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट पसंद है, कोई भी है, हमें काइंडली बताएं, हम वहां तक जाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हम जो करते हैं हम लोगों के साथ शेयर करें। अगर कल को कोई आ रहा है या कोई यहाँ रहता है वो इन जगह पर नहीं गया, तो वो जाए तो उसे पता हो कि यार इस जगह पर क्या करने का, क्या करने का नहीं है, क्या खाने का और क्या खाने का नहीं है। द लास्ट थिंग वी वांट टू से इज जस्ट मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब अस, कीप सपोर्टिंग अस, गिव योर फीडबैक टू, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। I really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.